अल्जाइमर का आप दावा कर रहे हो, दांतों में कैसे? सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। काफी टाइम से जो है पशुपालन की इस फील्ड में किसान साथियों को हम अच्छा अच्छा पशुधन दिखा रहे हैं, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज एक और शानदार मिल्क लाइन की और ब्यूटी की हम ये जोटी दिखा रहे हैं। इसके बारे में ओनर से मिलवाएं, डिटेल से पूछे, उससे पहले जो भी किसान साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही रेगुलर जो मुर्रा पशुधन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहां भी वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। तो आज की वीडियो युवा पशुपालक हैं, कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं जो है साहिल भाई के यहाँ से है, गांव जो है इनका पटासनी डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से है। झज्जर से रेवाड़ी रोड पे जो इनका गांव है वो पड़ता है। काफ़ी अच्छा पशु लेके आते हैं, काफ़ी कम उम्र में मैं कहूँगा एक जुनून जो मुर्रा के प्रति देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही जो और भी युवा हैं वो अच्छे पशु के प्रति इतना शौक रखें तो भविष्य में भी अच्छी अच्छी जोटियाँ जो है देखने को मिलेंगी, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप देखिए अगर युवा पहल करते हैं तो वहां पे अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, वो चाहे किसी गेम के सेक्टर में हो या पशुपालन की फील्ड में हो। सामने जोटी है, इसके बारे में डिटेल से पूछेंगे, आपको मिलवाते हैं साहिल भाई से। नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार जी। सबसे पहले जी आपका स्वागत करते हैं हमारे डेयरी फार्म पर आने पर। धन्यवाद जी। नमस्कार। शुरुआती मेरे हिसाब से हमारी तो मॉर्निंग भैंसों से ही होती है, वो चाहे वीडियो में हो, चाहे अपने घर पे पशु संभालने में हो, या चाहे किसान परिवार से है वहाँ पे हो। तो क्या कुछ डिटेल है पशुधन के बारे में बताएं? भाई साहब फर्स्ट टाइमर जोटी है जी, और जोटी लगभग 17 से 18 किलो दूध पे जोटी चली गई थी जी, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है इस कारण से जोटी ठंड में आ गई थी जी, तो अभी वापसी दाना अच्छा ले रही है जी, वापसी दूध पे जोटी आने लग रही है। फिलहाल मौके पे 13 से 14 किलो दूध आज भी मौके पे भाई जी। उस दिन वाला तो जोश ही नहीं है जब हमने इसको पहले देखा था, बिल्कुल जिस दिन 17 किलो दूध था उस दिन देखा था, उस दिन तो आप मानिए लेवा है वो जर्सी गाय की तरह था, बिल्कुल आज वो अडर में जोश ही नहीं है, शरीर भी नहीं रहा भाई साहब बिल्कुल। एक बार देखिए मौसम की चेंजिंग है वो बच्चे और पशु को जल्दी लगती है। तो अभी 14 किलो दूध तैयार है, साथ में इसके बच्चा क्या है? साथ में भाई साहब फीमेल काफ है। फर्स्ट टाइमर का आप दावा कर रहे हो, दांतों में कैसे? भाई दांतों में 6 दांत है। 6 दांत, तो एक बार खोलना। ऐसी जो भैंसे हैं जो थोड़ी उम्र जो है 6 दांत होने के कारण वहां पे उम्र जब पशु की थोड़ी ज्यादा होती है तो उसी हिसाब से दूसरे दांत के हिसाब से दूध भी काफी अच्छा जो है निकाला है। तो उधर ले चलो पहले दांत की जोटी है जी। अभी 14 किलो दूध, 17-18 किलो दूध पे जब थी तब भी देखी हुई है, और जो क्वालिटी वाइज आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल छोटे सींग की, छोटे हेड की ब्यूटी है वो काफी ज्यादा, और जो है ऑर्डर की क्वालिटी है वो भी बेहतरीन। यहाँ से देखिए आप बिल्कुल छोटे सींग की और लेवा आप यहाँ से देख पा रहे हैं, बिल्कुल फिट लेवा है, अच्छे दूध की जोटी है। दोबारा सेट हो जाएगी धीरे धीरे, वापिस उसी दूध पे आए यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि इस जोटी के बारे में भाई ने 2 बार कहा था कि पहली बार कोई पहले बात की जोटी की हम मिल्किंग करवाएंगे, लेकिन थोड़ा मौसम की चेंजिंग ने जो है इनको भी परेशान किया और जोटी को भी। लेकिन ऐसी ऐसी जोटियां जो ब्रीडिंग पर्पज से पशुपालक लेना चाहते हैं वो अच्छे काफ इनसे तैयार कर सकते हैं। और यहां से देखिए आप जो लेवा है जोशीला साफ सुथरा, जब पूरे पीक पे दूध पे एक बार जब ये गई उस पे बहुत ही ज्यादा खिंचाव ऑर्डर था, इससे भी मैं कहूंगा कि डबल से थोड़ा कम मान सकते हैं, इतना जोश था भाई साहब। दूसरे ब्याज में मैं बताता हूँ, कम से कम बता रहा हूँ 23 किलो दूध से जोटी मरेगी नहीं दूसरे ब्याज में। अगले ब्याज में इनका मानना है कि 22-23 किलो दूध के समथिंग इसको जाना चाहिए, जिस हिसाब से एक बार ये दूध पे गई थी। और जो है एक बार अभी यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जी लेवा आगे की साइड भी और थन है वो बहुत ही साफ सुथरे।
जो है ये फिलहाल है ना मौके पे। हाँ। घी में भी धोती काफी अच्छी थी, 18 किलो दूध में है ना, 1.25 किलो घी था इसमें, 1.25 किलो काफी। पशुपालक भाई ये भी कहेंगे सारी भैंसों की इसके नीचे कहने वाले हो जाते हैं, देखने वाले नहीं होती जी। आके देखे कोई भी भाई जो दावा करते हैं वो चीजें आके देख सकता है। तो यूपी की भाई साहब ऐसी है, बिल्कुल छोटा सी है। बिल्कुल साहिल भाई, रेट क्या रखा है बिक्री वाला अभी? क्या रेट मुक्की पे करेंगे इसका? अगर दूध पे वापिस आती है तो रेट फिर से बढ़ाओगे? हाँ जी, हाँ जी। और अगर इस दूध पे कोई लेता है तो फिर रेट आपका अलग होगा? हाँ जी, इस दूध पे अलग। भाई साहब उस टाइम पे तो ना छोटी की अच्छी पेमेंट भी लगी थी। चुवाई की कैसी है? चुवाई की बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई भाई। अगाड़ी कितनी निकाली? 2.5 किलो की अगाड़ी है अभी इस दूध में। 2.5 किलो की अगाड़ी, 14 किलो दूध में 2.5 किलो दूध की अगाड़ी है। हाइट लेंथ काफी अच्छी है, साथ में जो काफ है वो आप देख पा रहे हैं इधर, और काफी साफ सुथरा जो पशुधन पहले ब्यांत की, ऐसी ऐसी जोटियां कम निकल पाती हैं। अगर अच्छी तरह रहे यही जोटी किसी और पशुपालक के पास, अच्छे ब्रीडर के पास होती, ब्रीडर जो दूध तोलने वाले हैं उन भाइयों के पास। हमने भी फुल तैयारी कर दी थी दूध तोलने की, लेकिन वाकेशन सही गई, परमात्मा का जब साथ हो ना तब सारा काम। बिल्कुल, समय के बगैर कुछ नहीं होता। समय होता है हर आदमी का, हर पशु का एक दौर होता है, उसमें अगर वो सेट रहे तो ही निकाल पाता है। तो 14 किलो दूध है जी। मोबाइल नंबर एक बार अपना शेयर करें साथ में। 9350 7385 34 85 34 ये इनका संपर्क सूत्र है। जोटी बिक्री के लिए उपलब्ध है, कोई भी भाई खरीदना चाहता है, रेगुलर मोबाइल नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकता है। काफी अच्छा पशु फील्ड से तलाश के लेके आ रहे हैं और समय समय पे पशुपालकों के समक्ष लेके आते हैं। जितने भी किसान साथी जुड़े हैं, सेट हुई है ना, जब बीच में अगर थोड़ी बीमार हुई है, ठंड लगी है, उसके कारण कम खाया, तो अभी डाइट वापस वहीं पे कवर करने की कोशिश करेंगे। दोबारा आने लगी है धोती जी। तो कोई भी भाई जो है इन पशुधन लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। टेल मैं जरूर एक बार दिखाना चाहूंगा, थोड़ी काफी भाई है जो कहेंगे ध्यान नहीं देते। लगभग 6 से 7 इंच के समथिंग व्हाइट है, बाकी बाल है नीचे। और दिखा दो जी। तो जो है कोई भी भाई अगर खरीदना चाहे, ऐसे ऐसे अड्डर में है ना अगाड़ी में कान मिलती है जी, ठीक है, ये देखिए। लेकिन ये देख लो, बिल्कुल सूत बसमाओं पे ठंड कैसा निकालती है भाई साहब, काफी अच्छा निकालती है। और चुवाई की ऐसी है, छोटा से छोटा बच्चा आराम से दूध निकालता जी जी। तो जितने भी किसान साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें। अच्छा पशुधन भाई ने दिखाया, इनका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए पशुपालक के यहाँ, तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।